जो भी चाहिए Z5 ऐप पर, बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले एपिसोड में देखिए कि गुड्डन कर रही है जी तोड़ कोशिश अक्षत को बेगुनाह साबित करने की, जिसके लिए गुड्डन ने सोची है एक नई तरकीब। तो दूसरी तरफ पर्व बिछा रहा है एक नया जाल। क्या गुड्डन बच पाएगी पर्व के इस जाल से और बता पाएगी कि उससे सब हो पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले एपिसोड में देखिए कि गुड्डन ने सोची एक नई तरकीब नकाब के पीछे छिपे इंसान का सच सामने लाने की। अब क्या गुड्डन पर्व की असलियत का पता लगा पाएगी और क्या ले आएगी उसका सच सबके सामने? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले एपिसोड में देखिए कि आ गई है वो घड़ी जिसका था गुड्डन को बेसब्री से इंतजार। शुरू हो चुकी है जिंदल परिवार में जश्न की शाम, जिसमें गुड्डन सामने लाएगी नकाब के पीछे छुपे इंसान का सच। क्या गुड्डन इस बार साबित कर पाएगी कि उससे सब हो पाएगा या खड़ी होगी कोई नई रुकावट? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले एपिसोड में देखिए कैसे दादी की कही रस्मों को निभाते हुए गुड्डन के सामने आएगा नकाब के पीछे छुपे हुए इंसान का चेहरा। क्या गुड्डन सच्चाई की तह तक पहुंचकर सबको दिखा पाएगी कि उससे सब हो पाएगा या खड़ी होगी उसके सामने फिर एक नई रुकावट? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कि कल के शनिवार के स्पेशल एपिसोड में देखिए कि गुड्डन ने कर दी फिर वही गलती। क्या होगा अक्षत का रवैया गुड्डन की इस हरकत पर और क्या हो पाएंगी दादी की सोची हुई रस्में पूरी? क्या गुड्डन इन परेशानियों के बीच सच्चाई की तह तक पहुंचकर किडनैपर का असली चेहरा सबके सामने ला पाएगी या आ खड़ी होगी एक नई रुकावट? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में सोमवार को देखिए कि पर्व हुआ परेशान जब हुई उसकी कोशिश नाकाम। देखिए कि कैसे गुड्डन सच्चाई की तह तक पहुंचकर किडनैपर का असली चेहरा सबके सामने लाएगी। तो ये इंसान है सबके पीछे। देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए कि गुड्डन ने आखिर साबित कर दिया है कि उससे सब हो पाएगा और पकड़ लिया है किडनैपर को, लेकिन सच के सामने आने से आएगा एक बहुत बड़ा तूफान। क्या इस राज का पर्दाफाश होने से बदल जाएंगे गुड्डन के बनते रिश्ते? देखिए कल गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के धमाकेदार एपिसोड में। दुर्गती, ये क्या हुआ अभी अभी? आपने बिना कोई सबूत के उन पे सबके सामने इल्जाम लगा दिया और ऐसे बोल रहे थे कि वो तो सिर्फ एक गलत फहमी है। आप ही ना, मतलब क्या दुर्गा दी, मैंने तो सोचा था कि आप रावण से भी ज्यादा ज्ञानी हो, पर आपसे इतनी बड़ी भूल हो गई। और वो कौशल्या, उसके सामने तो आपने अपना ही मजाक बनवा लिया। कुछ तो गड़बड़ है। जब मैंने एजे और गुड्डन की बात सुनी थी तब तक तो कौशल्या ही गुनेगार थी, अब अचानक सबके सामने ये बात गलत फहमी में कैसे बदल गई? हेलो, हाँ जी बोलिए। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पीछे मुड़िए। क्या हुआ दामाद जी? अच्छा, आप अभी तक वही बात लेकर बैठे? दामाद जी, आपने माफी मांग ली, मैंने आपको माफ कर दिया, बात खत्म हो गई। खैर छोड़ी ना उस बात को, हो जाती है कभी कभी गलत फहमियाँ। जी छोड़ दिया, लेकिन सिर्फ आपकी बेटी की वजह से। जी गलत फहमी हमें नहीं आपको ही है कि आप मुझे बेवकूफ बना सकती हैं। आपकी बेटियां आपसे बहुत प्यार करती, बहुत विश्वास है उनका आप पर, इसीलिए आपकी मनगढ़ंत कहानी मान ली। पर जो मैंने सुना और जो सब दुर्गा बहू ने कहा वही सच है। रेवती के अपहरण
और गुड्डन और मेरी शादी की वजह आप हैं। यहां तो झूठ बोलकर बच गई, पर याद रखिएगा, सच सबके सामने आने का रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेता है, और आपका सच भी सबके सामने आके रहेगा, गुड्डन के भी। बहुत विश्वास करती आप, और उसके इस विश्वास और प्यार को गलत साबित करके मैं उसे और तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, पर आज के बाद इस घर में या इस परिवार के किसी भी मामले में अगर दखल देने की सोची भी, तो याद रखिएगा, जिन हाथों ने आज आपसे माफी मांगी है, वही हाथ कल आपको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए कि बहुओं का ये वार भारी पड़ेगा अक्षत और गुड्डन की बढ़ती नजदीकियों पर। यह होगा कुछ ऐसा जो कर देगा बहुओं को हैरान। अब कौन सी नई चुनौती आने वाली है गुड्डन के सामने, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का धमाकेदार एपिसोड सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर। करण लूथरा की बेल हो गई, उसे बाहर निकालो। जी मैं अपने भाई के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, इसी जेल में रहूंगा, दैट्स इट। और डैड आप मेरी बात सुन, तेरी बेल हो गई। एक बार बताओ, आप नहीं चाहते कि ऋषभ जेल से बाहर आए? हाँ, आप उससे प्यार नहीं करते, उसकी बेल नहीं कराई आपने? नहीं प्यार करता उससे, चलता हूं मैं उससे। आ चुकी है पारो की डोली शान से ब्याहने, लेकिन पुचकी की शादी हो गई है। क्या शान माँ से किया वादा निभाकर नकार देगा पुचकी से हुई उसकी शादी? क्या अनदेखा मोड़ लेगी ये दोस्ती की दास्तां? जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा। हमने उस वेदिका को नुकसान पहुंचाने के लिए कहा था। हमारी बेटी को किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकता? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे हवाले करेंगे, तुम हमारे परिवार से दूर रहो। बस अभी इंजेक्शन लगा है, थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। अगर हम फोन नहीं उठा पाए ना तो परेशान मत होना। जा कर रही हो मेहंदी लगाने? मेरे नाम की? मैंने मेहंदी लगवानी बंद कर दी, लगवाऊंगी भी तो आपके नाम की नहीं, आप मेरे हस्बैंड नहीं। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें इतनी हिम्मत दे कि तुम मुझे सच बता सको, या फिर इतनी हिम्मत दे कि तुम मेरा सच सुन पाओ। आप कैसे कर लेती ये बातें? आप भी तो शादीशुदा है ना? शादीशुदा नहीं है, जैसे पहले नहीं थी, जब मुझसे शादी की थी और छुप छुप कर तरुण से मिलते थे। अपनी मोहिनी में राम, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। राणा साहब, हम आपकी पांचवी इंद्री भी मारी, अब आप पूरी तरह से मारे हो गए हैं। इस कुदड़ी लाल के भाग में शादी नहीं लिखी हुई, ये कभी शादी नहीं करेगा, ये वादा किया इसने मुझे। एक ही सपना था कि हैंडसम सा दूल्हा और उसके साथ मेरी छोटी सी फैमिली, बस वो और मैं। वैसे मेरा तो यही मानना है कि इंसान को सबसे ज्यादा प्यार उसकी फैमिली से मिलता है, तो जितने ज्यादा लोग हों उतना बढ़िया। वैसे आपकी फैमिली तो ऑलरेडी इतनी बड़ी है, तो आपको तो बहुत सारा प्यार मिलता होगा, है ना? कल आप मुंबई क्यों गई थी? बोलिए माई। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि आपने कल घर पे फोन किया था कल्याणी को ये बताने के लिए कि संपदा मुंबई में है। उन दोनों से मेरी कोई भी बात नहीं हुई है। सोच लीजिए माई, मेरे पास सच निकलवाने के और भी तरीके हैं। देखो, मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हें ये बात मल्हारी को बता देनी चाहिए।